मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों ये है श्री राम लक्ष्मण द्वार। मैं इस वक्त द्वारिका के अंदर हूँ और द्वारिका के अंदर जहाँ मैंने अपना होटल लिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 3 दिन से मैं यहाँ पर था, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर लगातार एक राम धुन बज रही है, श्री राम, जय जय राम। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, आज रात के वक्त मैं जब टहल रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पे आया तब भी यहाँ पे राम धुन बज रही थी, और आज जब मैं यहाँ पर देखा कि यहाँ पे अभी इस वक्त भी राम धुन बज रही है, तो फिर मेरा मन हुआ कि एक बार मैं यहाँ के इतिहास को देखूँ कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है और क्यों यहाँ पे इतने सालों से लगातार राम धुन बज रही है। तो ये पूरा वो इलाका है, कहते हैं कि एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने सुना था कि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः, यानी जहाँ पर मेरे भक्त गायन करते हैं वहाँ पर मैं विराजमान रहता हूँ। तो ये जितने भी आप ये साधु संत महात्मा देख रहे हैं, ये वही साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने यहाँ पे लगातार राम धुन गाई है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग यहाँ पे कितने सालों से राम धुन हो रही है। तो मैंने ये पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इन सभी जो लोग हैं, भक्त हैं, इनसे मैंने बात की है। मैं आपको इनसे बात भी कराऊंगा। और अब यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे राम धुन गाई जा रही है, देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 55 साल और 20,065 दिन। आप देख सकते हैं 55 साल और 20,065 दिन जो है, अगर देखा जाए तो इतने दिनों से, यानी 55 साल से यहाँ पे अखंड राम कीर्तन हो रहा है यहाँ पे। ये द्वारिका की महिमा है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और देखिए हमारे सामने ये पूरे सब लोग हैं, ये जो भक्त हैं, और ये भक्त यहाँ पे, आप यहाँ पे समझ लो, आप शिफ्ट, एक आदमी आता है गाता है, दूसरा आदमी चला जाता है, तीसरा आदमी आता है, यहाँ पे शिफ्ट कभी ख़त्म नहीं होती। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, दिन रात यहाँ पे लोग रहते हैं, कभी भी जो राम धुन है वो कभी भी बंद नहीं होती, हमेशा राम धुन यहाँ चलती रहती है। ये यहाँ पे इनकी ठहरने के लिए जगह है, और ये यहाँ पे चाय पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, प्रसाद बनता है यहाँ पे, जो लगातार यहाँ पे लोग अपना आते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये पूरा जो पूरा एक आप देख रहे हैं कि द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, द्वारिकाधीश के मंदिर से लगभग ज़्यादा नहीं, मात्र 2 किलोमीटर दूर पे ये जगह है, और जहाँ पे लगातार रामधुन हमेशा बजती रहती है। और इस वक्त यहाँ पे फिर से एक बार रामधुन बजना शुरू मतलब बज तो रही थी, लेकिन अब फिर से एक बार कीर्तन शुरू हो गया यहाँ पे रामधुन का, यानी कि हर वक्त यहाँ पे रामधुन जो है वो बजती रहती है। और मैं खुद भी इसको देख करके, क्योंकि मैं जब यहाँ पे, सुनिए, मित्रों यहाँ पे इतने लंबे समय से, 55 साल से यहाँ पे राम धुन बज रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जब मैंने द्वारिका में प्रवेश किया था उस समय भी राम धुन बज रही थी, और कल मुझे जाना है तो मैंने देखा कि मैं रात में यहाँ पे आया तो रात में भी यहाँ पे राम धुन बज रही थी। तो मेरा मन हुआ कि पूछता हूँ कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे, जरा सी बात करेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे उनसे इसकी हिस्ट्री क्या है। नमस्कार। नमस्कार। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। तो बस इतनी रात, तो ट्रस्टी कहाँ पे हैं? ये बेटा है, उससे बात कर लो। सर नमस्ते। ये ढूंढ वाला ट्रस्टी है। नमस्ते सर, इधर से आना है, अंदर से, यहाँ से। तो ये सर, नमस्कार। सर धर्म के लिए आपका काम बहुत उत्तम है, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो बस आपसे इतना ही जानना था कि क्योंकि मैं तो, हाँ सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर आपका नाम बता देंगे एक बार? मेरा नाम प्रफुल्ल भाई है। प्रफुल्ल भाई जी, तो थोड़ा सा बताइए कि इसका क्या, इसका इतिहास है, ये जो कब से बज रही है रामधुन? ये 55 साल हो गया है जी।
ये 55 साल से डे एंड नाइट 24 घंटे चल रही है जी। यहाँ पूरे गांव जो आता है गांव वाला सुबह से जी रात तक और रात से सुबह तक जो अलग अलग ये सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार तक अलग अलग ग्रुप वाला यहाँ आता है। अच्छा। वो कोई 2 घंटा बेचता है हाँ। कोई 3 घंटा बेचता है। अच्छा। कोई 1 घंटा बेचता है या डे एंड नाइट। कभी कोई यहाँ पैसे देने से कोई मेरा कोई आदमी नहीं रखा है हमने, कोई कर्मचारी नहीं है। गांव वाला के सहयोग से पूरा ये कीर्तन चल रहा है। ये जो महाराज श्री है प्रेम बिच्छू जी महाराज है जी, वो बिहार का वतनी है जी। उसने यहाँ 55 साल के बाद में जो यहाँ आता यहाँ लगवाई थी। तो ये मंदिर में कोई किसी के अंदर मंदिर में पैसा लेने की मना है। हम पैसा एक रुपया भी नहीं लेता है। पैसा लेने का उसका मैं क्या है पैसा लेने की यहाँ मना है। यहाँ जो कोई आता है ये हमारा कार्यालय है पास में आगे जी जी, वो कार्यालय में जो कोई पैसा डोनेशन देता है तो हम उसकी रसीद देता है। किसी के साथ मांगने की मना है, किसी के पास हम मांगना नहीं है कि यह दो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरा। तो ये हमारी संस्था यहाँ द्वारका भी है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, राजकोट है, जामनगर है और बिहार है। ये 7 जगह पे ऐसा ही अखंड चल रहा है जी। कभी भी 1 सेकंड भी बंद नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है। पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है। तो ये जो एक गांव है कि कई सारे गांव है? ये द्वारका है हाँ। जामनगर है जी, राजकोट है। नहीं इस जगह पे क्योंकि द्वारकापुरी है तो ये जो यहाँ गांव है ये जो गांव है ये गांव वाला पूरा गांव इस गांव के सारे लोग जो है सारे लोग उनकी शिफ्ट लगी हुई है कि भाई हर दिन सबका समय नियत है या आपको रात को गाना है फिर कल आप सबका कैलेंडर तय है एक एक आदमी का कि आपको कब गाना है। तो जी जामनगर है जामनगर जी जी जामनगर वो यहाँ से पुराना है। अच्छा यहाँ से पुराना है। यहाँ से पुराना कितने साल का लगभग? 2 साल आगे है। अच्छा 57 साल का है। 57 साल है। पोरबंदर यहाँ से 1 साल आगे है। अच्छा 1 साल आगे बेद्वारका। तो आप तो मतलब मैं तो वो श्लोक है ना कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यानी कि जहाँ पे मेरे भक्त गाते हैं मैं वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे मेरी स्थापना हो जाती है, वहीं मैं निवास करता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे दर्शन कर घूमने आते हैं और एक होता है ना कि ईश्वर प्रतिष्ठित हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, और एक होता है कि कोई व्यक्ति अखंड कर रहा है, क्योंकि लोग अखंड रामायण करते हैं 2 दिन करते हैं तो उसमें भी कहते हैं यार बहुत काम हो गया, 2 दिन से अखंड रामायण बहुत हो गया, और यहाँ पर देखिए 55 साल से चल रहा है अखंड। 20,000 दिन हो गया। 20,000 दिन हो गया, यानी कितनी बड़ी तपस्या अपने आप में है ये, कितनी बड़ी तपस्या है। अभी 20,000 दिन पूरा हुआ जी जी। बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। अच्छा बहुत बढ़िया उत्सव मनाया। अच्छा तो मतलब बस मेरा इतना ही था कि जब यहाँ के लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर कितने परसेंट लोग यहाँ पे आते हैं और देखने आते हैं कभी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वो समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है? नहीं समझ पाते मेरे ख्याल से। वो तो ये पूरा कोई ये भगवान का काम है, विश्वास काम है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, अब मैं भी यहाँ पे आया 2 दिन पहले आया था, तो जब मैं यहाँ पे रुका हुआ था तो मैंने देखा कि यहाँ पे भजन चल रहा है लगातार, तो मुझे लगा शायद कोई कीर्तन चल रहा होगा, कुछ देर बंद हो जाएगा, लेकिन देखा मैंने कि लगातार कीर्तन चल रहा है। फिर आज जब मैं रात को यहाँ पे अभी झूला झूल रहा था तो मैंने देखा कि अभी भी कीर्तन चल रहा है रात में 12 बजे, तो मेरे दिमाग में आया कि अभी भी चल रहा है, इसका मतलब अखंड कीर्तन है फिर ये। तो फिर मैं घूम गया यहाँ पे कि ये अखंड कीर्तन है, इसका मतलब ज्योत भी है, वो अखंड चल रहा है। अखंड ज्योत भी है। अखंड ज्योत भी है जी। जो ये मंत्र है जी जी जी, इसके पीछे जो देखे तुमने हाँ हाँ 13 करोड़ मंत्र है। 13 करोड़ मंत्र ये जो मेरे गुरु जी ने ये हनुमान डांडी ये बेट द्वारका से आगे 5 किलोमीटर हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा हाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसको हनुमान डांडी बोलते हैं जी जी। वहाँ हनुमान जी और मुकुटध्वज एक ही साथ में है। अच्छा पूरा कोई वर्ल्ड में नहीं है ऐसा मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी और मुकुटध्वज कहाँ भी दिखने नहीं मिलते, कोई एक ही जगह है। यहाँ ये गुरु जी ने 13 महीना ये 13 महीना में 13 करोड़ मंत्र लिखा है उसने 60 साल पहले। तो वहाँ इसने कैसा किसी का मुंह नहीं देखना, किसी के साथ बात मत करना, काट बोलते उसको बोलता है, किसी को कुछ खाना नहीं, जो ये मग आता है मग मग का बोल की पानी जी, बोल की वो मग से दूसरा कुछ नहीं खाया उसने। और ये क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे? ये तो जो कोई डोनेशन देता है डोनेशन दिया है। अच्छा उसके नाम है सब, देखिए आपको हम दिखा दे, जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप जिन्होंने भी यहाँ पे डोनेशन दिया हुआ है उनका नाम लिखा हुआ है, उनका गांव का लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। यानी अगर यहाँ पे कोई भी आके डोनेशन देगा
तो उसका नाम भी लिखा होगा। और यहाँ पे इस तरह की एक नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई पट्टियां यहाँ पे लगी हुई हैं। पूरे देखिए कमरे में सिर्फ नाम ही नाम लगे हुए हैं। यानी आप सोचिए कि सिर्फ ये जो इमारत है, ये इमारत थोड़ी जीर्ण शीर्ण है, बाकी यहाँ की तपस्या में कोई कमी नहीं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आप सभी लोगों से बात करके, बहुत मिलके। मुझे बड़ी इतिहास में बहुत रुचि रहती है मुझे। तो जी ये 1967 में ये बना है मुझे। जी 67 में 1967 1967 जी ये मंदिर बना है। बना ये मंत्र जो दिया है गुरु जी ने, गंगू जी महाराज ने, जी वो मंत्र श्री राम जय राम जय राम, जी जी वो मंत्र उसने दिया है। नहीं ये तो बहुत प्रभावशाली मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र है ये, विजय मंत्र। जी जी वो मंत्र में ताकत है, बहुत ताकत है, इसलिए सब आते हैं यहाँ आते हैं सब लोग। यात्री लोग भी कई आते हैं, यात्री लोग भी आते होंगे देखने के लिए। शाम को तो बहुत भीड़ रहती है जामनगर में, हमारा जामनगर में जो मंदिर है ना, हाँ हाँ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत गिनीज बुक में नाम लिखा है। अच्छा नाम है वर्ल्ड मंदिर के उसमें, जामनगर मंदिर जाप में संकीर्तन मंदिर जामनगर, सबका नाम है संकीर्तन मंदिर, संकीर्तन मंदिर। देखिए मैं आपसे एक बात ये जरूर, हम सभी लोग हमारे जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे आते रहे होंगे कभी, जैसे मेरे बाबा ने चार धाम की यात्रा की थी तो द्वारिका में वो आए होंगे, उन्होंने द्वारिकाधीश के दर्शन किए होंगे, तो ज़रूर उस संकीर्तन मंत्र में वो यहाँ पे वो आए होंगे। और मुझे याद आता है कि मेरे बाबा जी ने मुझसे बताया भी था एक बार कि द्वारिका में एक जगह है जहाँ पर कि लगातार संकीर्तन चलता रहता है हमेशा, तो मुझे आज भी वो बात उनकी याद आती है कि कितनी उन्होंने जो बात कही थी, शायद हमें हमारे दिमाग से बात उतर गई थी वो, लेकिन आज जब हमने इस जगह को देखा तो हमारे मन में वो बात पुरानी ताज़ा हो गई और हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पे एक बार आकर देखें, क्योंकि हम ये और हमारी संस्कृति हमारी तपस्या ऐसा आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं ईसाई धर्म में मिलेगा, ना कहीं शायद इस्लामिक धर्म में मिलेगा, ना कहीं पारसी धर्म में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर इतने मंत्र का जाप इतने दिन से हो रहा है। अगर आप एक मिनट में, अगर मान लीजिए कि इस मंत्र की अगर हम एक मिनट में 5 मंत्र कर सकते हैं, 6 मंत्र कर सकते हैं, तो आप 20,000 दिनों को उसके मिनट से गुणा कर दीजिए कितने मिनट हुए, उतने करोड़ों करोड़ों अरबों मंत्र यहाँ पे जाप हो चुके हैं। और इसीलिए यहाँ का जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन में बहुत ताकत है, मैं खुद भी यहाँ पे अंदर जब गया तो मुझे बहुत प्रभाव महसूस हुआ। तो अगर आप लोग भी कभी द्वारिका आएँ तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। द्वारकापुरी के जो मुख्य मंदिर है वहाँ से ये मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, 3-4 किलोमीटर भी नहीं मेरे ख्याल से, 200 मीटर है, मात्र 200 मीटर पे है। आप द्वारकाधीश मंदिर पे जाएंगे, मेन मंदिर जो है तो सिर्फ गलियों के अंदर सिर्फ मात्र 200-300-400 मीटर पे है ये मंदिर, संकीर्तन मंदिर है। आप यहाँ जरूर आइएगा और अपना आप जो डोनेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जो मदद कर सकते हैं यहाँ पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो पूरी मेहनत से धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने जी जान लगा कर रखे हुए हैं, और ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि ये जो संकीर्तन है ये ऐसे ही ताउम्र ऐसे ही ये प्रलय तक चलता रहे, जब तक धरती है जब तक इंसान है तब तक ये संकीर्तन ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि संकीर्तन जो है ये भारतीय संस्कृति की भी, उसके संघर्ष की, उसकी निरंतरता की, उसका भी प्रतीक है। तो आपका सभी जी यह जो 2000 साल में भूकंप आया था अच्छा भूकंप आया था, तो द्वारका पूरी द्वारका में हाँ एक भी पत्थर नहीं पड़ा था, अच्छा एक भी कोई मकान नहीं पड़ा था, कोई नुकसान नहीं, 1 रुपया का भी नुकसान नहीं हुआ था इसके कारण से। जी और जो 1965 में जब पाकिस्तान ने बम लगाया था 150 बम, जी एक बम भी नहीं फूटाई थी यहाँ पे, ऊपर से चला गया। वाह 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 बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया रेडियो में उसने जाहिर किया टाटा कंपनी इसका मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, ठीक है अच्छी बात।